ओम नमः शिवाय। आज के जन्मे बच्चे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, जिनके स्वामी स्वयं शनि देव हैं। ऐसे जातक धार्मिक, भावुक, हमेशा खुश रहने वाले, आकर्षक, सम्माननीय और समाज का हित चाहने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो अत्यंत सफल होंगे। आज आपकी राशि से चंद्रमा 12वें चल रहे हैं। शारीरिक असंतुष्टि और मानसिक बेचैनी थोड़ी बढ़ी रह सकती है, क्योंकि राहु चंद्रमा के घर में खुद बैठे हैं और उनकी दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ रही है। साथ ही साथ राहु की दृष्टि मंगल पर भी पड़ने की वजह से मानसिक और शारीरिक बेचैनी महसूस हो सकती है। हालांकि कार्य व्यवसाय और आर्थिक पक्ष मजबूत है, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, शासन सत्ता से सहयोग बना हुआ है, थोड़ी काम में रुकावट की संभावना बनती है। केले के पौधे में जल डालें और ओम हंग हनुमते नमः का मानसिक जप करें। आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, अकेलेपन की भावना दिमाग में बलवती होगी। हालांकि आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है, शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति संतुष्टि मिलेगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप आपको शांति दिलाएगा। आज आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति संतुष्टि मिलेगी। काम करने में मन लगेगा, व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है, आर्थिक पक्ष में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, पारिवारिक सुख शांति मिलेगी, भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ नए सृजनात्मक कार्य करने का योग बना हुआ है, शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, नहाने वाले पानी में थोड़ा फिटकरी डालकर स्नान करें और माँ दुर्गा की आराधना करें। शारीरिक और मानसिक रूप से आज आपको संतुष्टि मिलेगी, पारिवारिक सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, संतान पक्ष पर सत्ता का सहयोग बना हुआ है, विरोधी परास्त रहेगा, आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा, कोर्ट कचहरी या वाद विवाद के मामले में अनुकूलता बनी हुई है। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव अभी लगा रह सकता है। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो विशेष तौर से पेट संबंधी, हड्डी संबंधी या जोड़ों में दर्द की संभावना बनी है। फिर भी आर्थिक और व्यावसायिक सहयोग बना हुआ है, पारिवारिक सुख संतुष्टि बनी रहेगी, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में भी अनुकूलता बनी हुई है। सूर्यदेव को अर्घ दें और ओम घृढ़ी सूर्याय नमः का मानसिक जप करते रहें। मानसिक और शारीरिक रूप से आज का दिन अनुकूल है, आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष मजबूत है, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, प्रयास आपके सार्थक होंगे, संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी, मित्र सहयोगियों का सहयोग मिलता रहेगा, गाय को हरा चारा खिलाएं और गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते रहें। आज विरोधियों से भी धन लाभ संभव है, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, व्यावसायिक और आर्थिक पक्ष बिल्कुल अनुकूल है, आपके प्रयास सार्थक होंगे, संतान के प्रति अनुकूलता बनी हुई है, कुछ नई कार्य योजनाओं को बल मिलेगा, शासन सत्ता से सहयोग बना हुआ है। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। आज आपका ऊर्जा स्तर बढ़ा हुआ रहेगा, हर तरफ खुशनुमा महसूस होगा, प्रयास सार्थक होंगे, संतान के प्रति शुभ समाचार मिल सकता है, आर्थिक पक्ष और कार्य व्यवसाय अनुकूल है, अधिकारी व शासन सत्ता का सहयोग बना हुआ है, प्रयास करें लाभ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए शुभ है।
आज शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से संतुष्टि वाला दिन रहेगा। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा। खुशनुमा माहौल महसूस करेंगे। नए काम के प्रति प्रेरणा मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। पारिवारिक दायित्व पर खर्च बना हुआ है। किसी से अनावश्यक वाद विवाद में उलझने का समय नहीं है। हनुमान जी की आराधना करें और केले के पौधे में जल डालें। केतु के आपकी राशि पर होने की वजह से यदा कदा आप अपने पारिवारिक दायित्व और सामाजिक जिम्मेदारियों का दबाव महसूस करते रहेंगे, जिसमें आपको अपने अधिकारियों या सम्मानित बुजुर्गों का सहयोग समय समय पर मिलता रहेगा। आज का आपका स्वास्थ्य हर दृष्टिकोण से अनुकूल है। यदि आप धार्मिक हैं तो अपने आध्यात्मिक अनुभूतियों को अपने दैनिक जीवन में क्रियान्वित करते चलें, सफल रहेंगे। बस आपको अपना और पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। व्यवसाय या नौकरी में आज आपका मन पूरी तरीके से लगेगा। लाभ की स्थिति बनी हुई है। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रति समय अनुकूल है। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। बाहरी तत्वों से सावधान रहें। अनावश्यक उलझन महसूस हो सकती है, जो कि आपके लिए व्ययकारक सिद्ध होगी। मानसिक रूप से आज आप तरोताजा महसूस करेंगे। व्यावसायिक निर्णय आज का आज ही ले लें, कल पर ना टालें। आपके प्रयास सफल होंगे। थोड़े प्रयास में ही आपके काम सरलता से संपन्न होने वाले हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। व्यावसायिक लेन देन लाभदायक स्थिति में है। आपकी सक्रियता को अपने आप में कम ना करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करें। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।